ऐसी बहुत सारी धारणाएं, कई बार ये भी सोचते हैं कि डिसफिगर होगा, पर डिसफिगर इतना नहीं लगता जब उन्हें समझाया जाता है और एक्सप्लेन किया जाता है कि ये एक सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा निकाले जाते हैं अंग और बड़ी सफाई से उसको पैक किया जाता है और बॉडी नॉर्मल लगती है तो लोग मान जाते हैं। ज्यादातर जो देखने में आया वो तो एक शॉक है, इनिशियल शॉक स्टेट होती है, दूसरा एक्सेप्ट नहीं कर पाते ब्रेन डेथ को, तीसरा रिलीजियस मिथ्स होते हैं कभी कभी और कभी मेडिको लीगल इश्यूज होते हैं। ये सारे केसेस जनरली मेडिको लीगल केसेस होते हैं तो उसमें उनको भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, पुलिस की मदद चाहिए होती है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद चाहिए होती है। ये ऐसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है वैसे भी जब ट्रीट किया जाता है, बट पहली बात तो ये है मानना है कि अवेयरनेस वैसे ही कम है। जी, आपने कहा कि जिनकी ब्रेन डेथ हो जाती है सिर्फ उन्हीं के ही ये ऑर्गन्स निकाले जा सकते हैं, पूर्णतया जिनको मौत मानते हैं, मतलब एक आम उसमें कि शरीर धड़कन बंद हो गई, नस चलनी बंद हो गई, तो वो डेथ है। तो इन दोनों में थोड़ा सा कहीं एक फर्क है, लेकिन हमने देखा है कि नर्सिंग होम्स में ब्रेन डेथ के बाद तो वो तमाम उपकरण लगाए रखते हैं और बिल को बढ़ाते चले जाते हैं, इसलिए लोग ये एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं होते कि अगर ब्रेन डेथ है तो वो एक्चुअल डेथ है। हर एक को ये उम्मीद रहती है कि अभी कुछ जान बाकी हो सकती है। हाँ, ये भी तो एक चीज है, ये एक कंफ्यूजन है, इसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है और अवेयरनेस इन टर्म्स ऑफ इवन डॉक्टर्स की भी, इवन मेडिकल प्रोफेशनल्स की भी जरूरत है अवेयरनेस की, इस चीज को मानने के लिए कि ब्रेन डेथ इज लीगल डेथ। जो हमारा ट्रांसप्लांट एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली ब्रेन डेथ को आप डिक्लेयर कर सकते हैं, उसका एक प्रोसीजर उसमें लेड डाउन है, उसमें दो बार टेस्ट किए जाते हैं, एक सीरीज ऑफ 10-12 किस्म के टेस्ट होते हैं जिसको चार एक्सपर्ट डॉक्टर्स करते हैं एट द इंटरवल ऑफ 6 से 8 घंटे में, और उसको डिक्लेयर किया जाता है। और सेकेंड टाइम ऑफ टेस्ट जो होता है वो टाइम ऑफ डेथ माना जाता है। तो वो ये एक तरह का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो कार्डिक अरेस्ट हुआ है, कार्डिक डेथ हुई, तो वो डोनेट नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, टिश्यूज कर सकते हैं। उन केसेस में हम कॉर्नियाज, हार्ट वॉल्स, बोन, स्किन, लिगामेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू, ईयर, मिडल ईयर, वेसल्स, बहुत सारी चीजें डोनेट की जा सकती है। हमारे साथ यहाँ एस एन मिश्रा साहब बैठे हुए हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से आते हैं। मुझे मिस्टर जी ये बताइए, आप जिस तरह से अभी ब्रेन डेथ की बात हो रही थी, अक्सर हमने देखा है नर्सिंग होम्स में ब्रेन डेथ तो डेथ उस तरह से डिक्लेयर नहीं करते, मानते भी नहीं है, वो आपको लगाए रखते हैं, उपकरणों पे लगाए रखते हैं और फिर आपको पता चलता है। तो अगर इस तरह का कोई प्रयास कोई करना भी चाहे कि भाई अंगों का दान हो जाए तो वो हो नहीं सकता। मुझे बताइए कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस तरह की चीजों पर गौर करती है? देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस पे गौर करती है और हम लोग अपने तरह तरह की जब वर्कशॉप वगैरह होती है तो इस पे बात भी करते हैं, लेकिन इसमें जो मेन चीज है वो ये, जब ब्रेन डेथ हो जाए उसके बाद की जो प्रक्रिया, जैसा कि मैडम ने भी बताया, वो प्रक्रिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इतना वो टाइम लेती है कि शायद उस टाइम में नहीं हो सकता। तो उसके लिए कोशिश होनी चाहिए गवर्नमेंट की, हमारी, आपकी, सबकी, कि किसी भी एक्सीडेंट के पहले, जैसे आपको शायद मालूम होगा कि करीब 1,60,000 लोग सारी कंट्री में एक्सीडेंट से मरते हैं, और अगर साधारण समाज में जागरूकता हो कि हम मरने के बाद हमारा अंग दान हो सकता है या हम दान देने के लिए हम तैयार हैं, तो शायद ये संभव है। लेकिन जिस टाइम पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, जैसा कि अभी आपने एक बात कहा था जिसपे मेरा बड़ा सख्त आपत्ति है कि बिल बढ़ाने के लिए वेंटिलेटर चलाए जाते हैं, तो जिस टाइम वेंटिलेटर चलता होता है उस टाइम पे उसको समझाना ना तो मुमकिन है और ना ही वो रिश्तेदार समझ पाएगा उस टाइम, क्योंकि उस टाइम उसका उसकी मानसिकता जो होती है वो अपने मरीज के साथ जुड़ी होती है। तो इसका मतलब उस मौके पे हम डोनेशन की बात भूल जाएं? नहीं, हम भूल ना जाएं, लेकिन वो हम प्रैक्टिकल नहीं हो पाती। प्रैक्टिकल है कि इसकी अवेयरनेस पहले से लोगों को प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा हमें कि वो डोनेट करने के लिए तैयार रहें, और उसके लिए सारे जो कागजी कार्रवाई है या जो कुछ भी पॉलिसीज है वो तय होनी चाहिए, जो हमारी आज की सरकार में तय नहीं है। तो कहने का मतलब है, चाहे वो कैडेवर डोनर की बात हो, चाहे वो ब्रेन डेथ केसेस की बात है, इसके लिए एक जागरूकता समाज में पैदा करने की जरूरत है, और साथ ही साथ कानून इस तरह के बने कि जो लोग दान करना चाहें, सपोज मेरा रिलेशन नहीं दान करना चाहता और मैं करना चाहता हूँ, तो इस प्रकार कानून में प्रावधान होना चाहिए कि मरीज खुद जो है, अगर उससे पहले लिखा पढ़ी हो चुकी है तो कमिट किया हुआ है, तो हिज ऑर्गन कैन बी टेकन, क्योंकि एक बॉडी से कम 27 तरह के टिश्यूज लिए जा सकते हैं फॉर हेल्पिंग अदर्स।
और ये सब जब तक पहले उसको अच्छी तरह से ना समझाया गया हो उस टाइम पे ना, तो डॉक्टर के लिए समझाने की उसको टाइम मिलता है ना, मरीज उस टाइम समझने की स्थिति में। जी हमारे साथ यहाँ पर मीनाक्षी लेखी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं। मीनाक्षी जी मुझे बताइए कि अब जैसे ये रैकेट का खुलासा हुआ तो लोग सभी ये लोग ये कह रहे हैं कि ये जो अभी एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जो आपके कानून हैं, वो व्यवहारिक नहीं है बिल्कुल, क्या आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, कानून तो प्रावधान दे रहा है हर प्रकार का, जैसे कि ऑथराइजेशन कमेटी भी है और बाकी सब चीजें हैं, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो बार बार बाकी डॉक्टर्स ने भी कहा है कि कानून ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो कमी है। मान लीजिए कोई डेथ दिल्ली में होती है और डोनेशन वाला चाहे दिल्ली में ही है मगर शायद दूसरे कॉर्नर में है, उसकी अवेयरनेस या उस ऑर्गन को वहां से दूसरे अस्पताल में पहुंचाना या टिश्यू मैच करना या लोगों में जागरूकता की बात है, वो सब नहीं है हमारे पास। लेकिन जहां तक कानून है, कानून बिल्कुल सही तरीके से ये बताता है कि क्लोज रिलेशन में आप डोनेशन करने में कोई तकलीफ नहीं है। जहां पहले सिग्नेचर है और उसमें भी प्रॉपर फॉर्मेट है कि आप मरने से पहले आप खुद वो फॉर्म करके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं कि, लेकिन अगर उसके बाद उनके बाकी लोग ये कहें कि नहीं हम नहीं कराते तो किसके विल प्रिवेल करती है? विल उन लोगों की नहीं प्रिवेल करेगी अगर रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, और रजिस्ट्रेशन उन्होंने वापस नहीं ली है। और सिर्फ ये है कि जहां पर और जो मेडिकल इंचार्ज है जिनके पास, जिस व्यक्ति ने खुद फॉर्म जमा कराया है उसके अंदर जो विटनेस है, उस विटनेस में एक क्लोज रिलेशन की विटनेस है और एक दूसरी कोई विटनेस है, दो विटनेसेस हैं। तो ऐसे हालात के अंदर कोई व्यक्ति अगर अपने आप अपनी इच्छा से डोनेशन करना चाहता है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें परिवार वाले किसी प्रकार का अड़चन डाल सकते। लेकिन जहां पर मान लीजिए, और इसमें यह भी माना गया है कि अगर ना हाँ है ना है, कोई व्यक्ति मर गया है तो तब उसके परिवार की सहमति की आवश्यकता है। और तीसरा उसमें ये भी प्रोविजन है कि मान लीजिए कहीं पर प्रिजन है, कोई प्रिजन में डेथ हुई है या अस्पताल में डेथ हुई है, अनक्लेम बॉडी है और उसी वक्त आपको रेसिपिएंट भी है और डोनर भी है और कुछ मैच होता है, तो हॉस्पिटल इंचार्ज उस बारे में डिसीजन ले सकता है, प्रिजन इंचार्ज उस बारे में 48 आवर्स के अंदर जो भी उसका समय उसमें डिसीजन ले सकता है, और किसी प्रकार की उसमें गलत ना हो या कोई बॉडी क्लेम करने ना आए, ये सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। और साथ में आई थिंक हमारे यहाँ जिस बात की कमी है वो विल वाली बात की कमी है कि लोगों में खुद इच्छा नहीं है अपनी ऑर्गन्स को डोनेट करने की, और ये जागरूकता नहीं है कि अगर आपकी एक किडनी चली गई और दूसरी किडनी पे आप रह रहे हैं तो कोई जीवन को खतरा नहीं है, आप दे सकते हैं। जी, और एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय हमारे साथ हैं जो कि फॉर्मर डीजी रह चुकी है मेडिकल सर्विसेज एयरफोर्स। मुझे बताइए पद्मा जी, अक्सर हमने पढ़ा है, अभी भी अखबारों में काफी आया कि आपके यहाँ पे काफी कुछ आप लोग इंस्पायर करते हैं लोगों को आने के लिए, आगे मोटिवेट करते हैं, कैसे आप लोग ये सब कर पाते हैं, क्योंकि बाकी जगह ये चीजें इंस्पिरेशन वाली जो है थोड़ी गायब नजर आ रही है। आई वुड लाइक टू पुट ऑन रिकॉर्ड, वी हैव स्टार्टेड विद AOTA, दैट इज द आर्म फोर्सेस ऑर्गन रिट्रीवल एंड ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम। यूड बी सरप्राइज, इट स्टार्टेड लास्ट ईयर, बट इस 6-7 महीने के अंदर विलिंगली ऑलमोस्ट अबाउट 1050 पीपल have signed the consent form for donating various organs and various tissues, with, as madam said, with one relative as a witness and another officer as a witness. All the people, I mean, so much response is there, so that, I mean, it is just a beginning, but 1050 in about 6 months time is not a small number, and all serving people and retired people, including me, we have also signed the form and it is registered with the Army Hospital. Now Army Hospital has got link with AIMS as well as our command hospitals all over all the 5-7 command hospitals are there, disconnected all over India. So the response is very good, and not only that, when a person comes to ICU, I mean, when the chances are very less, when the brain death is all going to happen, they don't wait for the brain death to take place. There are counselors already there who are talking to the relatives, who are talking, you know, making them convinced that by donating either a kidney or a, you know, or a cornea, whatever they require, whichever can suit, it will be not something
bad, it is not something that is good for others, and people are getting convinced. This is a very good response. Of course, the connectivity and all is very good. They are doing a very good job. I am sure it will do much better. The Orbo is having a donor brain death donor registry, which has become 7,500, and all the people who have pledged are from Delhi, which is very encouraging. And already about 15 out of these have already donated. Those who died, they have donated already. And in the last 3 to 4 years, we have coordinated 350 organ and tissue transplants. So even though we need a lot of awareness, but even in this such a small span in the city of Delhi, things have picked up. लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता आ रही है. हम सीधे चलेंगे हैदराबाद. हैदराबाद में हमारे साथ के रघुराम है, जो कि मल्टी ऑर्गन हार्वेस्टिंग एड नेटवर्क के सीईओ हैं. ये फाउंडेशन है लोग जो कि लोगों को मोटिवेट करती है, उनको इंस्पायर करती है कि वो अपने अपने जो मानव अंग हैं उनको दान करें, उस तरफ उन्हें ले जाती है. रघुराम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चर्चा में कार्यक्रम का. आप मुझे ये बताइए कि किस तरह से आप लोगों के बीच में जो काम करते हैं, आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है अभी तक? सी द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आई वाज हियरिंग टू द डिस्कशंस एंड पीपल थिंक दैट पीपल विल नॉट कम फॉरवर्ड. पीपल विल डेफिनेटली कम फॉरवर्ड. आई वुड लाइक टू टेल यू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ हैदराबाद दैट वी हैव 2007 वी हैव 22 केसेस. And we were successful in 20 cases. That is, our success rate is 90%. And we have distributed about 85 organs and tissues. That is about 38 kidneys, 12 livers, and 63 hearts, about 32 eyes. The most important thing is, the doctors have to declare brain death. The brain death declaration is not happening. If the brain deaths are declared, and if the family is given option, if that is a request, that you can do this. You can donate organs in this if anybody comes forward, and if there are trains, you should train the counselors. If the counselors are trained, if they come down and counsel, I feel definitely our success rate will increase. And also, we should have the favorable laws promoting this cadaveric organ donation in India. जी, आपने पर्सुएशन की बात की. आपने कहा कि अगर उनको समझाया जाए तो निश्चित रूप से वो आगे आते हैं, और हम जानते हैं कि आपके आपके अपने एक्सपीरियंस से आप खुद ये काम करते रहे हैं, और आपने खुद अपने बेटे के अंगों को भी दान किया जब उनकी मौत हो गई. ये बहुत बड़ा काम था जिसे आपने अंजाम दिया. मुझे ये बताइए कि कितना इमोशनल होता है खासतौर पर ऐसे समय में किसी को ये मनाना इस काम के लिए कि आप इस तरह का दान करिए, कितनी मुश्किलें आती हैं उसमें? रघुराम जी, आप क्या कहते हैं? Emotion will be there, but we love to talk at that point of time. See, when it happened to me, my son itself, when it happened to my son, since I am working in this field, I know about this, and all our family members know about when they can donate organs. And when I wanted to do the organ, my family members accepted it, and I have donated my son's liver, kidneys, and eyes. And till now, I have counseled more than 35 patients. 35 family members, and I have my success rate is more than about 70 to 80% of my success rate. That is, you must have a good transplant coordinators posted in the hospital, and you must give them the proper training how to go and talk to the family members at what point in time you can request and what all the things that you should speak, and you must clearly explain to them what is brain death. What has happened? What is that you can do? How you can give a gift of life to others? Definitely, if you tell all these things, people will definitely come forward for organ donation. It's most important. The hospitals have to cooperate. The doctors have to cooperate. The society have to cooperate. If all of them work together, definitely our chances of cadaveric donation will be very much higher. जी रघुराम जी, अभी आप बने रहिए हमारे साथ. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रघुराम जी. जिंदगी बहुत बड़ी नियामत है, और अगर किसी को ये दान दी जा सके तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है. इस बात को कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, हम सबके दिलों में उतारने की जरूरत है कि इस तरह के अंगदान, मानव अंगों की जिनकी जरूरत महसूस की जा रही है देश में, उसको हम पूरा कर पाएंगे. ये चर्चा हम जारी रखेंगे.